नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। गोंडा जिले के विकास खंड अधिकारी बबन जोत प्रदीप चौधरी ने कोविड 19 संक्रमण संबंधी जानकारी सम्मानित मीडिया कर्मी, समाज सेवी तथा संभ्रांत लोग नव निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से इस वैश्विक संक्रमण के कारण उपजे कोविड 19 बीमारी के संकट की घड़ी में करे सहयोग, सरकार द्वारा जारी लॉकडाउन की गाइडलाइन के बारे में आम जनमानस को करे जागरूक, जहां भी कोविड 19 के मरीज की जानकारी मिलती है वहां जाकर सैनिटाइज करवाने का काम किया जा रहा है और क्षेत्र में कोविड 19 का अधिक से अधिक वैक्सीनेशन करवाने की जनता से अपील की। उत्तर प्रदेश के गोंडा से अशोक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सर, ये जो इस समय कोविड 19 का संक्रमण चल रहा है और सरकार गाइडलाइन भी जारी की है, तो सबसे पहले आप जो मतलब प्रशासन द्वारा जो गाइडलाइन जारी हुआ है उसके बारे में जानकारी दे दीजिए। देखिए, हम लोग हर गांव में ये कोशिश कर रहे हैं कि जिनको भी कोविड का लक्षण प्रकट हो, जी बुखार, सर्दी और शरीर में दर्द, जी तो आशंका हो, जी उसकी पहले टेस्टिंग हो जाए। जी जी, हमने सारे गांव में लगभग निगरानी समितियां हम सक्रिय कर दे रहे हैं, जो जागरूकता फैलाएं कि इस तरह के अगर कहीं केस आ रहे हैं तो उनकी टेस्ट किया जाए, उनको अगर वो कोविड पॉजिटिव हों तो उनको मेडिकल किट दिया जाए, उनको सैनिटाइज कराया जाए जी। और आम आदमी तक ये पहुँचे कि ये लोग खतरनाक है, इससे बचाव कैसे हो, जी ये कोशिश हम लोग लगातार कर रहे हैं। अभी आज ही पिपरावारा खां में हमने जो है टीम भेजी है जी। वो पिपरावारा खां के जो भी संदिग्ध हैं कोविड के जी, उन सबकी जांच करेगा जी। और हमने ये भी किया है कि 45 साल से उम्र के ऊपर जितने भी लोग हैं जी, सारे लोग जो है TSC पर जाकर के या CSC पर जाकर के हलेगा हमने जो है टीकाकरण की सुविधा दी है, तो फ्री में वो वैक्सीनेशन करा लें जिससे इस रोग से बचे हैं। सर, ये सैनिटाइजेशन जो होता है कहाँ कहाँ आप करवाए कुछ जानकारी? पहले तो हम जैसे हमने पिपरावारा खां में करवा लिया, बनगांव में आज हो रहा है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी खास खबर के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और भारत रफ्तार न्यूज की हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।